देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बॉलीवुड की हॉट और हमेशा किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत आज एक बार फिर सुर्खियों में है। कंगना रनौत ने अपनी एक फिल्म पूरी की है जिसका नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका झांसी की रानी एक आगामी भारतीय हिंदी फिल्म है जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो द्वारा एवं कृष द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत इसमें रानी लक्ष्मीबाई की मुख्य भूमिका निभाएंगी। फिल्म मणिकर्णिका फिल्म के प्रमोशन के लिए कंगना रनौत को बहुत ही हॉट ड्रेस में देखा गया। फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के लिए आई कंगना रनौत ने बहुत ही खूबसूरत ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहना हुआ था। इस ड्रेस में उन्होंने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया जिसको लेकर लोगों ने कंगना को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। कई लोगों ने लिखा कि समाज सुधार की बातें करने वाली कंगना खुद गंदगी फैला रही है। कुछ लोगों ने कहा कि ये अभिनेत्रियां पहले तो खुद बोल्डनेस की हदें पार करती हैं, फिर मीटू करती फिरती हैं। बता दें कि अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कंगना रनौत ने विकास बहल की खुलकर आलोचना की थी। अभिनेत्री ने अब मीटू कैंपेन में एक नया नाम जोड़कर सबको हैरान कर दिया है, वो है ऋतिक रोशन। दरअसल जब इंटरव्यू के दौरान एक चैनल ने कंगना से मीटू पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, विकास बहल के साथ जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री में, एक विकास बहल ही नहीं है। अभी हमें बहुत ज्यादा विजयी महसूस करने की जरूरत नहीं है, हमें दूर तक जाना है। यहाँ सिर्फ वही लोग नहीं है जो लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। कंगना ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों को झूठे वादे देकर, शादी या काम का बहाना देकर उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, वो भी हैरेसमेंट की कैटेगरी में ही आता है। ऐसे लोग अपनी पत्नी को ट्रॉफी की तरह रखते हैं और एक यंग लड़की संग रिश्ता बनाते हैं, शादी का झूठा वादा करते हैं। वही जिसके बाद में कंगना रनौत ऋतिक रोशन का नाम लेते हुए कहती हैं, हाँ यहाँ पर मैं उनकी ही बात कर रही हूँ, उनके साथ किसी को काम नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का विवाद काफी पुराना है, कभी दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे। ब्रेकअप से आहत कंगना रनौत ने ऋतिक पर कई आरोप लगाए थे। दोनों का झगड़ा कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा था। एक वक्त पर दोनों ने नेशनल मीडिया के सामने जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।